आरआरबी जेई 2019 के एग्जाम में इस बार एक मेजर चेंज हुआ है जो आपकी पूरी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी को इररिलेवेंट बना सकती है। तो क्या है इसका सॉल्यूशन? आज के हमारे इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं। शुरू करने से पहले आप सभी को मेरा नमस्कार, दिस इज आलोक, स्वागत है आप सबका आरोहण में। कर रहे थे आरआरबी जेई 2019 के एग्जाम में मेजर चेंजेस की। एग्जाम पैटर्न में एक मेजर चेंज हुआ है जिससे आपने जो भी प्रिपरेशन पहले तैयार की है एग्जाम के पहले, वो पूरी तरीके से इररिलेवेंट हो सकती है। तो इस वीडियो का मकसद है आपको उस पैटर्न से रूबरू कराना, अवगत कराना, ताकि आप जो सरप्राइज एलिमेंट है उससे बच सके। कोई भी एग्जाम होता है उसके लिए हम स्ट्रेटजी बनाते हैं। स्ट्रेटजी ऐसी होती है, हम सिलेबस देखते हैं, एग्जाम पैटर्न देखते हैं एंड देन डिसाइड करते हैं कि हमको क्या कैसे करना है, कितने सेक्शंस आने वाले हैं। जैसे हम आरआरबी जेई 2019 की अगर बात करें तो इसमें चार सेक्शंस हैं। सीबीटी 1 के लिए जो क्वालिफाइंग एग्जाम है उसमें जीके, जीएस, रीजनिंग, एप्टीट्यूड, उसमें पर्टिकुलर मार्क्स अलॉट किए गए हैं जो आपके सामने स्क्रीन पे आपको दिख रहा है। तो इसके अकॉर्डिंगली हमने अपना एक स्ट्रेटजी, आप सभी ने अपना एक स्ट्रेटजी प्रिपेयर किया हुआ होगा कि हम इसको पहले अटेम्प्ट करेंगे, देन वील डू दिस, देन वील डू दैट। तो वो सारी चीज़ें हम प्रिपेयर करके रखते हैं, मगर क्या होगा अगर वो सारी चीज़ें जो है उसमें कुछ चीज़ें बदल जाए, आपको ये बात पता चल रही है जब आप एग्ज़ाम दे रहे हो तब, तो क्या होगा? तो आपको एक सरप्राइज एलिमेंट मिलेगा और आप समझ नहीं पाओगे उस समय पे क्या कर रहे हैं, क्योंकि वैसे भी आपके पास सिर्फ 90 मिनट्स रहेंगे, वो बहुत प्रीशियस 90 मिनट है। आपको उसी समय पर परफॉर्म करना है और वही परफॉर्मेंस आपके रिजल्ट में कन्वर्ट होगा। तो आपको उस सरप्राइज एलिमेंट से बचना बहुत ज़रूरी है और आपको सारी चीज़ें पहले से पता होनी चाहिए। एग्जाम हॉल में जाने से पहले आपको चीज़ें पता होनी चाहिए क्या चीज़ ऐसा है जो बदल गया है। ये चीज़ जो है वो आपके सारे प्रिपरेशन को इररिलेवेंट बना देगी। जैसा हम शुरू से बात करते आ रहे हैं, हमने जो भी स्ट्रेटजी बनाई हुई है वो काम नहीं करेगा। क्यों काम नहीं कर रहा है, इसी के बारे में तो हम जानना चाहते हैं। क्या है ये प्रिपरेशन चेंज, क्या चेंज करना पड़ेगा हमको, क्या ये चेंज हुआ है आरआरबी जेई के एग्ज़ाम में जो हमारे प्रिपरेशन को पूरी तरीके से, सारे स्ट्रेटजी को बदलने पे मजबूर कर रहा है या हमको एग्ज़ाम में कंफ्यूज कर रहा है, हमारे एफिशिएंसी को इफेक्ट कर रहा है? तो ये है रैंडम ऑर्डर ऑफ क्वेश्चंस। आप समझ सकते हैं इसमें चार सेक्शंस थे जैसे हमने शुरुआत में आपको दिखाया भी और आप सभी को पता भी है। तो हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि हमको एक सेक्शन के क्वेश्चन एक साथ मिले। जैसे एग्जांपल के लिए अगर बात करें हम कि जीके के क्वेश्चंस हैं जो आने हैं वो सभी हमको एक साथ मिल जाए तो हम उसको फटाफट कर लें एंड देन हम किसी और सेक्शन को अटेम्प्ट करें। किसी का जो सेक्शन स्ट्रांग होता है वो उनको अपनी स्ट्रेटजी में पहले रखते हैं और उसके बाद अपने वीकर सेक्शन को बाद में, ताकि अपना स्कोर वो सेक्शन में बेटर कर सकें, उसको बेटर टाइम दे सकें, ताकि उनका स्कोर जो है वो फाइनल में अच्छा रहे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आपके क्वेश्चंस जो हैं वो रैंडम ऑर्डर में है, मतलब आपको पता नहीं चलेगा कि कौन से नंबर के क्वेश्चन कौन से सेक्शन से आ रहे हैं, कौन सा जीके का क्वेश्चन रहेगा किस नंबर पे आपके जीएस के क्वेश्चंस रहेंगे, आपको कुछ भी नहीं पता। केमिस्ट्री, बायोलॉजी के क्वेश्चंस कहाँ से आ रहे हैं, फिजिक्स के क्वेश्चन कहाँ पे आ रहे हैं, कौन से नंबर पे है, ये इसमें नहीं बताया गया है। बस आप अटेम्प्ट करने जाओगे क्वेश्चंस को और देखोगे आपके सामने क्वेश्चन अपीयर होंगे, वो कोई सा भी क्वेश्चन हो सकते हैं। तो ऐसे में ये बहुत मुश्किल बना देता है आपके लिए कि आप जो है टाइम सही ढंग से सारे सेक्शंस को दे नहीं पाओगे। तो ये जो आपने स्ट्रेटजी अगर बनाई होगी तो आपको वो स्ट्रेटजी दोबारा से सोचनी पड़ेगी। हमारी टीम सिर्फ आपको यही बताना चाहती है कि क्वेश्चंस जो हैं वो सेक्शंस में डिवाइड करके नहीं दिया गया है, रैंडम ऑर्डर में कभी भी कहीं भी आ रहे हैं। तो आपको करना क्या है, आपको इसके लिए प्रिपेयर रहना है। क्या आ रहा है आपको बता दिया हमने कि क्वेश्चंस रैंडम ऑर्डर में रहेंगे। आप एक्सपेक्ट मत करिए कि आपको जीएस के, फिजिक्स के, केमिस्ट्री के सारे क्वेश्चन एक बंच में मिल जाएंगे और आप उसको एप्टीट्यूड, रीजनिंग जो भी है वो आपको एक बंच में मिलेंगे और आप उसको एक एक करके अटेम्प्ट कर लोगे। ऐसा नहीं होने वाला है, आपको कोई भी क्वेश्चन किसी भी ऑर्डर में कभी भी मिल सकता है। तो बी प्रिपेयर्ड फॉर इट। आप सभी को आपके एग्जाम के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। टीम आरोहन की तरफ से आप सभी को गुड लक। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज कंसिडर सब्सक्राइबिंग। Thank you for watching. Hope to see you in our next video. Till then, take care, guys.